हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम सुत्रिचा। तो ऊपर थोड़ा थोड़ा हमने अपना गार्डन शिफ्ट कर लिया है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ गई हैं। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा इन सब को सेट होने में, क्योंकि सब बहुत कुछ इधर उधर हो गया है और दिवाली की छुट्टियों में सब लोग चले भी गए थे, तो काम हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया। थोड़ी बहुत गार्डनिंग चल रही है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। मैंने आप लोगों को अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि आप कौन कौन से फ्लावर्स हैं जो अभी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में जाड़ों के लिए, खूब सारे फ्लावर्स पाने के लिए। तो उनमें से एक सबसे जो ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है वो है पिटूनिया। पिटूनिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि खूब मात्रा में फ्लावरिंग होती है और ये मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी इसकी फ्लावरिंग चलती रहती है। सबसे देर तक चलने वाला फ्लावरिंग प्लांट है ये, और इसमें फ्लावर्स भी खूब सारे निकलते हैं, खूब तादाद में निकलते हैं। और इस प्लांट की सबसे ख़ास बात, सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसको आप छोटे छोटे गमलों में और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। जिन हमारे फ्रेंड्स के घर में ज़्यादा जगह नहीं होती है कि वहाँ पर वो गमले रख पाएँ, तो इस तरह के हैंगिंग बास्केट में लगाकर आप रेलिंग पे, बाउंड्री पे डाल सकते हैं। खूब गुच्छों में फ्लावरिंग करेगा और पूरा आपका जो घर है वो फ्लावर से भर देगा। तो इस पर्पज़ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। अभी आप मेरे दोनों प्लांट देख रहे हैं, ये जब मैं ख़रीद के लाई थी तब बिल्कुल छोटे छोटे से थे और एकदम सिंगल डाली थी, और अब देख रहे हैं आप लोग कितनी बढ़िया बंच में फ्लावरिंग कर रहा है और कितना घना और कितना हेल्दी प्लांट है हमारा, और इसने ग्रोथ भी बहुत अच्छे से ले ली है आप लोग देख रहे हैं। इसका कारण है पिंचिंग। पिंचिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें इन प्लांट्स के करते रहने चाहिए, क्योंकि जब हम पिंचिंग करेंगे तभी इसमें आर्डर डालने डेवलप होंगे। अब जैसे ये फ्लावर हमारा स्पेंट हो चुका है तो इसको हम एंड से तोड़ देंगे। ये भी ख़ास हमें पिंचिंग में ध्यान रखना है कि जो भी फ्लावर्स हमारे स्पेंट हो गए हैं उनको इस तरह हम तोड़ के अलग कर देंगे। तो जहाँ से आप ये फ्लावर तोड़ेंगे वहाँ से एक नई, ये देखिए दूसरा है, इसको भी मैंने तोड़ के निकाल दिया है, और आप देख रहे हैं कि वहाँ से बंचेस, अलग अलग ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं। जहाँ से आप पिंच करेंगे वहाँ से 3 से 4 5 से 6 अलग अलग ब्रांचेस डेवलप होंगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी, और ये इसी तरह बुशी बनता जाएगा और खूब घना हो जाएगा और फ्लावरिंग करता जाएगा। ये देख रहे हैं आप मेरे प्लांट में भी कितनी सारी कलियाँ लगी हुई हैं और कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। मैं इसमें एंड में ये भी बताऊंगी कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए जिससे कि आप लोग बहुत आसानी से इसमें खूब सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। और ऐसा कोई महंगा फर्टिलाइज़र भी नहीं, अपने घर में मिलने वाली चीज़ है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है इसको ग्रो करना। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं एंड तक बने रहें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कि इसमें कौन सा सॉइल मिक्स हमें चाहिए। पिटूनिया जो होता है वो थोड़ा सा पानी मांगता है, बट बहुत ज़्यादा अगर पानी इसमें स्टोर हो जाएगा तो ये प्लांट गल जाएगा और फंगस इफ़ेक्ट के कारण ये प्लांट चला जाएगा। तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम इसकी सॉइल प्रिपेयर करें तो हमारी जो सॉइल हो वो वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें कि 30% गार्डन सॉइल हो, 30% हमारी वर्मी कंपोस्ट हो एंड रेस्ट सैंड हो। तो उससे क्या होगा कि इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। और सॉइल प्रिपेयर करते समय इसमें थोड़ी सी नीम की खली का पाउडर डाल दें तो और भी जो कुछ अफेक्ट इसमें आना होगा, इसकी रूट्स में फंगस वगैरह वो सब नहीं लगेगा और आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहेगा और ऐसे ही ग्रो करेगा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। सेकेंड, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको चाहे धूप में रखें चाहे ब्राइट लाइट में रखें, ये इसी तरह खूब बढ़िया फ्लावरिंग करता रहता है।
और वैसे अगर आपको 1 से 2 घंटे की धूप बढ़िया इसमें मिल जाती है तो ये और भी ज़्यादा बुशी हो जाएगा और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा धूप आपके यहाँ नहीं आती है तो भी ये प्लांट वैसे ही फ्लावरिंग करेगा और खूब बुशी हो जाएगा। तो ये इसका ये दूसरा फ़ायदा है। तब हमने बात कर ली इसकी सॉइल मिक्स की, बात कर ली हमने इसके धूप की। अब हम आते हैं कि इसमें हमें ऐसा किस स्पॉट में इसको लगाना चाहिए। तो इसको चाहे तो आप इसके संग यही सबसे बढ़िया बात है कि इसको आप किसी भी पॉट में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। चाहे तो ये छोटी हैंगिंग बास्केट हो, बड़ी हैंगिंग बास्केट हो, या आपके जो तसले आते हैं मिट्टी के उनमें आप लगा सकते हैं, और छोटे छोटे जो पॉट्स आते हैं 10 इंच के पॉट्स में भी लगा सकते हैं, 5 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। और ये फैल के इतना बुशी हो जाता है और इतना बढ़िया हो जाता है कि आप सोचेंगे नहीं कि वही छोटा सा प्लांट है जो इतनी फ्लावरिंग कर रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो उसमें हमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो मस्टर्ड केक आता है यानी कि सरसों की खली जो आती है, सरसों की खली हमको ले लेनी है, और उसको हमें चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में, अगर आप एज अ लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसको पानी में 2 खली पानी में 2 से 3 दिन के लिए 1 लीटर पानी में भिगो के रख दें और फिर उसको छान के उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जाड़ों में क्या होता है कि प्लांट्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं पाउडर फॉर्म प्रेफर करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सरसों की खली ले लेती हूँ और उसको पाउडर बना लेती हूँ। अब सरसों की खली अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बाज़ार में ये 20 से 30 रुपए में किलो में बहुत आसानी से मिल जाती है। ये देखिए, ये हमारी सरसों की खली, ये इस तरह की होती है, और इसी को मैं पाउडर कर लेती हूँ, मिक्सी में पीस लेती हूँ, एकदम पाउडर फॉर्म बना लेती हूँ। तो वो डालने में ज़्यादा आसान होती है, बहुत आसानी से कहीं भी ये मार्केट में मिल जाती है। इवन अब तो जो नर्सरीज़ वगैरह हैं या जो लोग प्लांट्स बेचते हैं वो भी सरसों की खली और उसका पाउडर दोनों ही चीज़ें रखते हैं। तो आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, और कोई महंगा फर्टिलाइज़र नहीं है, बहुत ही सस्ता, बहुत ही टिकाऊ अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो इसका मैं पाउडर कर लेती हूँ, और जैसे आप ये वाला गमला देख रहे हैं, ये हमारा हैंगिंग बास्केट थोड़ा बड़ा है, तो इसमें मैं 2 चम्मच ऐड करूँगी, और इसमें डालने के बाद मैं इसको अच्छे से गुड़ाई करके इसमें अगर पानी की ज़रूरत है तो पानी डालूँगी, अगर आपका गमला सूखा है तो ही पानी ऐड करिएगा, वरना ऐसे ही मिक्स कर दीजिएगा, और जब गमला सूखे तभी इसमें पानी डालिएगा, वरना फंगस लगने का बहुत डर रहता है। सेकेंड, जैसे ये दूसरा वाला आप मेरा छोटा हैंगिंग बास्केट देख रहे हैं, तो इसमें 1 चम्मच हमारी सरसों की खली पड़ेगी, और फिर उसको अच्छे से हमें गुड़ाई कर देना है और पानी डाल देना है। और जब ये प्लांट आए थे तब मैंने इनकी जो सॉइल मिक्स से प्रिपेयर की थी उसमें भी सरसों की खली मिक्स कर दी थी, तो उसी का नतीजा है कि ये आप लोग देख रहे हैं कितना हेल्दी प्लांट है, कितना बुशी हो गया है प्लांट, और कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये सरसों की खली से ही, इसमें और कोई फर्टिलाइज़र आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉइल मिक्स में ऑलरेडी आप वर्मी कंपोस्ट डाल चुके हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन में एक बार आप ये ऐड कर दें इसमें, बस इसके लिए काफ़ी है। तो ये थी हमारी जानकारी पिटूनिया के प्लांट के बारे में, कि आप कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिटूनियाज के, डिफरेंट कलर्स ऑफ पिटूनियाज अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इस तरह के बुशी प्लांट पा सकते हैं। तो ये था हमारा आपका आज का वीडियो, आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट आप किस प्लांट के बारे में देखना चाहते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।